सलाम वालेकुम। ये मनीष है जी। इन दिन आपके शोर बहुत ज्यादा काम करते हैं डॉक्टर साहब। इन दिनों क्या इनका हमेशा यही हाल है, सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर डॉक्टर साहब। इन दिनों क्या इनका हमेशा यही हाल है, सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम के 7 बजे से पहले घर वापस नहीं आते। जबी तो मेरे ख्याल से दवा से ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है। अगर एक दिन कारोबार की उलझन है पर बुलाकर आराम और सुकून किया जाए तो शायद इन लोगों को सही हो जाएगी। बीजियों मार दवा कह चुकी हूँ, इतना काम ना किया करो ना किया करो। नसीबे दुश्मन सेहत से हाथ धो बैठेंगे, फिर कहते हैं कि क्या किया जाए, पता नहीं मेरी कोई सुनते ही नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा वक्त निकालिए नहीं किया जाए तो बीमार पड़कर ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर मुझसे वादा किया है कि एक जगह पर आराम और सुकून से लेटे रहेंगे और शोर नहीं करेंगे। और दवा किस किस का देनी है? दवा की कोई खास जरूरत नहीं है, बस इनको आराम और सुकून से लेटे रहने दीजिएगा और जो विजा देती हूँ मैं लेके जाऊँगा। ठीक है तो भाई इजाजत दी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे परवीन इधर आओ। जी बेगम साहिबा। डॉक्टर साहब का बेड हाथ ना छोड़ कर आओ। और एक और बात अर्ज करूँ जी, जी इनके कमरे में बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा शोर शराबा हुआ तो इनकी तबीयत और खराब हो सकती है। ठीक है तो वे दादा जी खुदा हाफिज़। नहीं यूं ही दीवार से चुपका पड़ा था, क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है क्या, तुम देख नहीं सकती? बस 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 चुप ही पड़े रहना। डॉक्टर साहब की बहुत सख्त ताकीद है कि कमरे में ना कोई कुछ बोलेगा ना तुम कुछ बोलोगे। क्यों
अरे रिया के कटपट शुरू कर दी तुमने। अरे कहाँ मर गए सब, कोई फोन तो सुन ले आओ। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आप शहीद बात कर रहे हैं? बेगम शहीद घर पे नहीं है, मैं आलिफ बात कर रहा हूँ। अल्लाह आवाज़ दी तुम्हें, कहाँ थी तुम? अरे गोदाम गई थी, कौन था, किसकी कॉल थी? अब मुझे क्या पता कौन था। अगर खड़े हो गए थे, कॉल उठा ली थी तो ना पूछने में कयामत आ गई थी। मैंने बोल दिया फिर कॉल कर ले। एक तो तुम ही ना। दफा हो जाए यहाँ से। तो तुम मरोगे गेट के बगैर, तुम्हें लगा दूँ मैं। अरे नन्ही के बाल को समझो, ये क्या कर रहा है? इसको क्या समझाऊँ मैं? आप ये लो, बस इसी की कसर बाकी रह गई। अरे परवीन मेरी शेरवानी और टोपी निकाल दो। मैं शेरवानी टोपी क्यों? आज कुछ ऐसा है कि मैं आज दफ्तर जाऊंगा। क्यों मैं क्यों? आराम और सुकून के लिए।